क्लास में जब बच्चा दाखिल होगा तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना होगा कि पिता को या माता को, मतलब पेरेंट्स को एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं, मेरा ये बच्चा फलाने तारीख को पैदा हुआ था, इसकी डेट ऑफ बर्थ ही है, ये एफिडेविट देना पड़ेगा। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट तो आ गया, ठीक है, 2002, नहीं उस वक्त राइट टू एजुकेशन एक्ट भी नहीं था, ये जो एक्ट आया ना वो नहीं था, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था दाखिले कैसे होंगे। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए, एक एनजीओ लेकर आया जो जो अनाथ थे, अनाथ बच्चे थे, और अभी तक वो क्या कर रहा था कि उनके ना खुद ही गार्डियन बन के ना मतलब एफिडेविट दे रहा था, जबकि कानून में था कि पेरेंट देगा और एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बताएगा। तो गार्डियन जो देख रहा है जिसके पास बच्चे हैं अनाथालय में, उसको क्या पता उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो एफिडेविट कैसे दे सकता है। तो वो सरकार के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे उनके वहाँ ऑफिस में 400-500 रुपये या 100-200 रुपये जो भी वो लेते थे तो वो कर देते थे बगैर देते, मतलब पैसे लेके। तो जब मेरे पास आया मैंने कहा तो गलत है, उन्होंने भी कहा कि गलत है ये। तो मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया 2002 में मेरे ख्याल से, और मैंने उस जो प्रोविजन था एक्ट के अंदर उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया। मैंने कहा कि इसमें मतलब इसमें जो अनाथ बच्चे हैं वो तो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहाँ से एफिडेविट फाइल करेंगे, उनका तो माता पिता ही नहीं है। तो ये एक तरीके से असंवैधानिक है ये जो प्रोविजन है। उसका क्या हुआ मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ। दो जजों के सामने वो केस लगा, और एक हम और काम करते थे कि जिन लोगों के लिए हम लड़ते हैं ना, कोशिश करते हैं कि जिस वक्त कोर्ट में केस हो वो भी रहे वहाँ, ये इसलिए कि उनको एम्पावरमेंट तो वर्ड सुना हुआ जरूर है ना, वीमेन एम्पावरमेंट, फलाना एम्पावरमेंट। तो